नमस्कार, मैं परविंद कुमार वर्मा एक बार पुनः आप लोगों के बीच एक नए प्रकरण के साथ उपस्थित हुआ हूँ। लेकिन आज का जो प्रकरण है वो निश्चित रूप से हमारे शिक्षक शिक्षा क्षेत्र में बहुत ही समीचीन है। बार बार हम लोग हमेशा ये देखते रहते हैं कि हम पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, तमाम हर समय हम एक ही टर्मिनोलॉजी को उपयोग करते रहते हैं। तो हम आपसे अगर ये पूछें कि भाई ज्ञान होना तो ठीक है, लेकिन सीखना क्या है? बार बार हम कहते हैं कि भाई हम सीख रहे हैं, हमारी लर्निंग हो रही है। तो लर्निंग हो रहा है तो लर्निंग कैसे होगा, किस रूप में होगा, और हम किसको लर्निंग बोलेंगे? तो आज इसी मुद्दे को लेकर के हम आपके बीच पुनः उपस्थित हुए हैं और आज हम लोग इसी पे बात करेंगे कि जब आप पूरे प्रकरण को पढ़ लेंगे, कि पूरे प्रकरण को पढ़ने के पश्चात मतलब बीएड एससी 06 का जो पेपर है टीचिंग लर्निंग असेसमेंट, उसको जब आप पूरा कर लेंगे तो ये जो स्क्रीन पर आप आउटकम देख रहे हैं ये आपके आउटकम क्लियर हो जाएंगे। लेकिन उसके पहले हम एक एक स्टेप करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में आखिर में ये लर्निंग होता क्या है। तो जब हम लर्निंग की बात करते हैं तो लर्निंग के रूप में हम ये देख पाते हैं कि हम बार बार कोशिश करते हैं कि हम सीख रहे हैं, चाहे बच्चे को हम सिखाने जा रहे हैं, तो क्या जो हम सिखा दिए उसकी लर्निंग हो गई? चाहे जो हम सिखाने का प्रयास करेंगे वो क्या ज्ञान में तब्दील होगा या उसकी लर्निंग हो जाएगी, तो कैसे संभव होगा? तो इन सारी चीज़ों पर हम जब बात करते हैं कि व्हाट इज़ लर्निंग, तो एक बड़ा प्रश्न बनता है कि हम पहले यही कोशिश करते हैं कि एक पशु में और मानव में क्या अंतर है। भाई मानव किसी भी चीज़ को सीख सकता है, उसी के अनुसार रिएक्ट कर सकता है, उसकी अपनी भाषा हो सकती है, उसके अपने व्यवहार हो सकते हैं, उसके अपने अभिव्यक्ति हो सकती है, उसकी अपनी संवेदना हो सकती है। ये सारी चीज़ें पशु में भी होती है, लेकिन उसमें लर्निंग का जो अभाव होता है, इसी से पशु मानव से अलग हो जाता है। मानव अपनी भावनाओं को उसी रूप में व्यक्त कर सकता है, लेकिन एक पशु इस चीज़ को करने में थोड़ा सा अक्षम होता है। ऐसा नहीं कि वो अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं करते हैं, करते हैं, लेकिन कोई समझ नहीं पाता है। लेकिन ये जो समझने का जो दौर है कि एक मानव दूसरे मानव से अपनी संवेदनाएं, अपने विचार, अपने अभिव्यक्ति को उसी रूप में व्यक्त कर लेता है जिस रूप में वो चाहता है, तो हम उसको लर्निंग कहते हैं। लेकिन क्या लर्निंग इसको कह देने से पूरी बातें स्पष्ट हो जाएंगी? तो यहाँ पर थोड़ा सा अभी बचा हुआ है। उसमें अगर मैं ये देखने का प्रयास करूँ कि वास्तव में हम लर्निंग बोलेंगे किसके, तो लर्निंग का मतलब होता है जो आपको आंतरिक रूप से परिवर्तित कर दे, चाहे वो किसी भी रूप में हो। जैसे हम कहते हैं कि हम ये चीज़ पढ़ लिए और ये चीज़ हम सीख लिए। देखिए, दो चीज़ हम बोल रहे हैं, एक कह सकते हैं कि अगर हम सामान्य तौर की बात करें तो हम दोनों को एक मानते हैं, लेकिन दोनों अलग चीज़ें हैं। किसी चीज़ को सीखना और किसी चीज़ को जानना। सीखने का मतलब यह है कि जैसे हम लोग छोटी कक्षाओं के पुस्तकों में देखते हैं, जहाँ हम लोग भी पढ़ते हुए आए हैं, कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, और उस कक्षा से जैसे ही बाहर निकले झूठ बोलना चालू कर दिए। हमें रेड सिग्नल को क्रॉस करके नहीं जाना चाहिए, ये हम सीखे क्लासों में, लेकिन जैसे ही घर जाते हुए रेड क्लास को क्रॉस करके चले गए, तो वो हम केवल ज्ञान हुआ, लर्निंग नहीं हुआ। लर्निंग का मतलब ये हुआ कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए तो हम झूठ नहीं बोलेंगे, रेड लाइट को क्रॉस नहीं करना है तो हम रेड लाइट को क्रॉस नहीं करेंगे। तो जो आपके व्यवहार में आंतरिक रूप से परिवर्तित कर दे वो आपकी लर्निंग होगी। लेकिन जो लर्निंग का जो फेज है बहुत बड़ा व्यापक है, वो आपके पूरे व्यक्तित्व को परिवर्तित कर देगा। कि अगर आप में लर्निंग हो गई तो निश्चित रूप से आप उन चीज़ों को समझ पाएंगे और उन चीज़ों को सीख पाएंगे जिसमें आपकी जिज्ञासा अपने आप में उत्कृष्ट हो। बार बार हम देखते होंगे कि 2 से 2 4, मतलब 2 में 2 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा। ये ज्ञान और लर्निंग दोनों हो जाता है कि हम एक बार सीख लिए कि नहीं 2 और 2 4 ही होगा, जीवन पर्यंत 4 ही होगा, वो 5 नहीं हो सकता। लेकिन हम बार रोज सीखते हैं कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए, ये काम अस्वीकृत है, ये सामाजिक स्वीकृति इसको नहीं है, लेकिन हम उस कार्यों में लिप्त हो जाते हैं। कारण उसका ये है कि हमारी लर्निंग नहीं हुई होती है, केवल और केवल मुझे ज्ञान होता है कि ये काम गलत है, लेकिन स्वार्थवश, मजबूरी वश, चाहे किसी भी रूप में अगर कोई व्यक्ति किसी कार्य को संपन्न कर रहा है तो उसका पर वहाँ पर उसकी वो लर्निंग हो जाएगी। लर्निंग से तात्पर्य है कि जो आपको आंतरिक रूप से परिवर्तित करे। आप इन चीज़ों को देखने का प्रयास करेंगे कि आपके पूरे परिदृश्य में जब आप क्लासरूम में जाएंगे तो जब आप देखते हैं कि बच्चे को आपने पूरा क्लास तो पढ़ा दिया, बच्चा पूरी तरीके से संतुष्ट है, लेकिन क्या उन चीज़ों को अपने व्यवहार में झलक रहा है कि नहीं? अगर उसके व्यवहार में ये चीज़ें आ रही हैं तो इसका मतलब कि आपके कंटेंट की लर्निंग हो रही है। अगर उसके व्यवहार में नहीं आ रहा है तो मतलब आपके कंटेंट में केवल और केवल नॉलेज का ट्रांसफ़र हुआ है, लर्निंग नहीं हुआ है।
आप एज ए लर्नर, एज ए एस्पिरेंट, बीएड के स्टूडेंट, चाहे डीएड, चाहे किसी भी एक सामान्य जन की अगर मैं बात करूं, तो दोनों के जो ऑपरेशन डिफिनेशन है दोनों अलग अलग है। आप उसकी गहराई को थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास करेंगे तो आप निश्चित रूप से यही पाएंगे कि हमें जीवन में हमेशा लर्नर होना चाहिए। बार बार जितनी आप लर्निंग करेंगे उतना आप में गहराई आएगा और उतनी चीज़ों को आप समझ पाएंगे। लेकिन हम क्या करते हैं कि छोटा सा हमें नॉलेज हुआ और हम उसी को लर्निंग मान लेते हैं कि नहीं हम सीख लिए। नहीं, जैसे आप कह सकते हैं कि आपको तैरना सीखना है तो आप तैरना यूट्यूब से भी देख करके सीख सकते हैं कि आपको ऐसे ऐसे एक्टिविटी करनी, लेकिन आप सीखेंगे तभी जब पानी में जाएंगे। तो सेम वही कंडीशन एक बच्चे एक क्लासरूम के तहत तो आपको समायोजित करने का प्रयास करना चाहिए कि आप जब क्लासरूम में हैं तो उस बच्चे के अकॉर्डिंग उसकी रुचि, उसकी अभियोग्यता, अभी उसकी क्षमता को ध्यान में रखते हुए आप अपने कंटेंट को डिलीवर करिए, तब जाके उसमें लर्निंग होगा। अदरवाइज केवल और केवल आएंगे और आप अपने ज्ञान को वहाँ ट्रांसफर करेंगे लेकिन बच्चों में कोई लर्निंग नहीं होगी। इसी चीज़ को ध्यान में रख करके तमाम मनोवैज्ञानिक, शिक्षा शास्त्री, समाज शास्त्री सभी लोगों ने अपने अपने अनुसार लर्निंग की परिभाषा दी कि वास्तव में लर्निंग हम बोले किसको। आप स्क्रीन के माध्यम से कुछ लर्नर की परिभाषा भी देख सकते हैं कि हम किसको और किस रूप में, एक जो लर्निंग की हम बात करते हैं वो उसमें अगर मैं फोकस की बात करूं तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि आप में बातें कितनी गहराई से कह गया, मतलब छोटे में पूरी बात को कह दिया। आप जब इसको पढ़ेंगे, इसको जब देखेंगे तो आपको ये चीज़ महसूस होगा कि वास्तव में इसकी एक एक पॉइंट में हमें वो बात पूरी आ रही है जो हम चाहते हैं कि नहीं हमें ऐसा हो, लेकिन क्या हम ऐसा कर रहे हैं कि या नहीं कर रहे हैं, ये चीज़ें हमें खुद सोचनी पड़ती है। जब हम इसको लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं तो आप देखेंगे कि वास्तव में जो उसकी डिफिनीशन होगी, डिफिनीशन का मतलब कि जब आप कह रहे हैं कि नहीं ये लर्निंग नहीं, ये नॉलेज है, ये नॉलेज नहीं, ये लर्निंग है, ये सूचना है, ज्ञान है, तमाम उसके जो कह सकते हैं कि शैक्षिक शब्दावली है, उसके जो ऑपरेशनल डिफिनीशन आप देंगे तो आप उसकी गहराई को महसूस करेंगे कि नहीं उसमें जो टर्मिनोलॉजी दी गया है, जो अगर हम इसको नॉलेज कह देते तो क्या गलत था, नहीं गलत था, हम इसको लर्निंग ही क्यों कह रहे हैं, एक बड़ा प्रश्न है। जब आप इस प्रश्न को अपने जीवन में बैठा करके जब कोई बात करेंगे चाहे सीखने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आप एक पाएंगे कि हम अब लर्निंग कर रहे हैं। हम केवल चीज़ों को, सब कुछ आपके गूगल पे उपलब्ध है तो क्या वो सारी चीज़ें आपकी लर्निंग में है, नहीं कह सकते, लेकिन लर्निंग में वही बातें आएंगी जो चीज़ आप सीख लेते हैं। जैसे जब हम कभी घर में रहते हैं, कुछ अच्छी चीज़ें बनाने का प्रयास किए या हम अकेले हैं क्या करें, तो हम क्या करते हैं YouTube खोलते हैं, YouTube में जो देखते हैं और देखने के बाद हम उसको रिएक्ट करते हैं, तो वो चीज़ हम लर्निंग कह सकते हैं कि भाई हमने ये देखा और वो हमारे व्यवहार में परिवर्तन किया, वो चाहे खाना बनाने के रूप में हो सकता है, चाहे हमारे संवेदना को बदलने के रूप में हो सकता है, किसी भी रूप में हो सकता है, तब उसको हम लर्निंग बोलेंगे। हमने केवल एक वक्तव्य को सुन लिया और सुनने के बाद बंद करके रख दिया कि हाँ मुझे पता है कि ऐसा ऐसा होता है, लेकिन आपके व्यवहार में वो चीज़ें नहीं आ रही हैं। जैसे कभी हम गुस्सा करते हैं तो कहते हैं ना कि हमें ज़्यादा कानून ना सिखाइए, तो कानून ना सिखाने का मतलब क्या है कि आपको कानून का ज्ञान हो सकता है लेकिन आपके व्यवहार में परिवर्तित नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब कि आपको कानून का ज्ञान है लेकिन लर्निंग नहीं हो पाया है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए तमाम लोगों ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं और उन्हीं परिभाषाओं को ध्यान में रखते हुए जब हम कोशिश करते हैं कि वास्तव में अब लर्निंग को अगर हम दो तीन शब्दावली में कहना चाहें कि अब लर्निंग क्या हो सकता है, तो लर्निंग को अगर एक एक लाइन में हम देखना चाहें तो लर्निंग चेंज इन योर बिहेवियर, लर्निंग आपके व्यवहार को बदल देगा। अगर आपके व्यवहार में आंतरिक रूप से परिवर्तित नहीं हो रहा है तो मतलब आपकी लर्निंग नहीं है। अब इसमें भी देखिए दो तीन चीज़ें आपको समझ में आएंगे कि क्या बाह्य रूप से जो अगर मान लीजिए किसी दबाव में आकर के कोई सीखना हो रहा है तो उसको लर्निंग बोलेंगे, तो नहीं, आपके आंतरिक परिदृश्य में परिवर्तन होना चाहिए, ना कि बाह्य पटक। जैसे आप थके हुए हैं और कोई काम आपको करने के लिए कह दिया जाए कि आप ये काम करिए, तो वहाँ पर आप ये नहीं कहेंगे कि हमने तो सीखा था हम नहीं कर पाए, वहाँ आप थके हुए हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको लर्निंग नहीं करा सकती हैं, तो आप कैसे लर्निंग हो, जो आपके व्यवहार में परिवर्तित कर दे, और व्यवहार में परिवर्तन कब होगा, जब आप उससे सक्रियता से जुड़ेंगे। यही जुड़ाव आपको आगे के फेज में दिखाएगा कि कैसे ये चेंज होगा। आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि द चेंज इन बिहेवियर अकर एज ए फंक्शन एज ए प्रैक्टिस आर एक्सपीरियंस। देखिए दोनों चीज़ें मैं कह रहा हूँ, या फिर प्रैक्टिस करिए या फिर आपके अनुभव में होना वो चाहिए, ताकि जब भी आप उस कार्य को करने जाएं वो चीज़ें तत्काल आपके जहन में आ जाएं, तब तो आप इसको लर्निंग बोलेंगे। तीसरे फ्रेज में देखिए, देयर इज ए रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर।
जैसे किसी को देख करके अपने व्यवहार को बदल देना बहुत आसान है कि नहीं मुझे पता है कि ये व्यक्ति आएगा तो डांटेगा चाहे मारेगा चाहे मेरे साथ ऐसा व्यवहार करेगा जो हमारे लिए स्वीकृत नहीं है, तो हम क्या करेंगे उस व्यक्ति को देख करके अपने व्यवहार को उस तरीके का बना लेंगे कि नहीं भाई मैं तुम्हारे डर से ऐसा कर लिया हूँ। लेकिन जैसे ही वो जाएगा आपका व्यवहार पुनः बदल जाएगा, तो ये लर्निंग नहीं हुआ। आप कहे तो नहीं कि भाई उसके आने से मैं ऐसा व्यवहार कर रहा हूँ, जैसे किसी का सम्मान है, बच्चा अगर किसी बड़े को देख करके प्रणाम कर रहा है अपने आप से, तब तो वो कोई भी व्यक्ति अनजान भी आएगा तो वो झुक के प्रणाम करेगा अंकल ताऊ जो भी। लेकिन केवल और केवल इसलिए कि पापा साथ में हैं और पापा के साथ हैं और उनके नहीं करूँगा तो इनसे मुझे डांट पड़ेगी, तो वो लर्निंग नहीं कह सकते। आप कोई भी जब आपके बिहेवियर में परमानेंटली चेंज हो जाए कि नहीं हर बड़े को देख करके मुझे प्रणाम करना है, हर बड़े को देख करके मुझे अभिवादन करना है, तो ये लर्निंग का फेज है जिसमें आप में परमानेंटली चेंज हो जाए, चाहे वो आपके पिताजी के साथ आए चाहे ना आए, हर एक अजनबी जो आपसे बड़ा है चाहे आपका जो शुभचिंतक है उसको आपको देख करके अगर अपने आप से अभिवादन के लिए अगर हाथ उठ रहा है हाथ जोड़ रहा है तो मतलब आपके बिहेवियर में परमानेंटली परिवर्तन हो चुका है। इसका मतलब कि आप अभिवादन के लिए तैयार हो चुके हैं, अभिवादन करने के तरीके को आप सीख लिए हैं और अभिवादन के लिए आप हमेशा के लिए ये हो गया कि अब आप ये सीख चुके हैं कि हमें किसका अभिवादन करना है और किसको किस रूप में अपने व्यवहार को प्रदर्शित करना है। तो ये सारी चीज़ें आप अपने रोजमर्रा के जीवन में भी देख सकते हैं कि हम रोज़ कुछ न कुछ ऐसी गतिविधियां करते रहते हैं जिसमें हमें ये चीज़ें दिखती हैं, लेकिन हम उन्हीं चीज़ों को लर्निंग कह पाएंगे जिसमें ये तीनों पॉइंट आप देख पाएंगे। ये मैंने कोशिश किया है कि थोड़ा सा छोटा करके बनाऊं, लेकिन आप इसको और भी बढ़ा करके देख सकते हैं कि नहीं लर्निंग केवल तीन ही नहीं हो सकता, ये 10 हो सकते हैं। तो आप उस तरीके के अध्ययन को पढ़िए, आप उस तरीके की किताबों को पढ़िए, उन लोगों के विचारों को पढ़िए, उसके बाद उसमें ऐड करिए, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन एज ए लेमैन की तरह मैं बात करूं कि लर्निंग क्या है, तो ये जो तीनों चेंजेस आएंगी अगर परमानेंटली आ गई तो हम इसको लर्निंग बोल सकते हैं। इसमें देख सकते हैं कि जो तमाम बातें आपको स्क्रीन के माध्यम से हम बताने का प्रयास करते हैं कि आखिर में एक जो कंसेप्ट के रूप में अगर मैं बात करूं कि अगर एजुकेशनल डिफिनीशन के रूप में मुझे बताना हो कि व्हाट इज़ लर्निंग, तो आप स्क्रीन पर देखिए कि सारी बातें एकदम गहराई से लिखा करके और उसमें सेटिंग करने का प्रयास किया गया। ये तमाम शिक्षाविदों के विचार हैं, लेकिन हम जब उन विचारों को पढ़ने के बाद जो हमें महसूस होता है कि नहीं इन्होंने ऐसा कहा तो किस लिए कहा होगा, अगर इनके विचार थे तो वो क्यों थे, चाहे ये जो विचार कह रहे हैं वो किस प्रकार से हो सकते हैं, तो उसके जो टाइप्स भी हो सकते हैं वो किस प्रकार के हमारे जो विचार होते हैं वो परिवर्तित होते हैं, किस रूप में आगे बढ़ते हैं, किस रूप में हमें सोचने पे मजबूर करते हैं, तो आप इसमें भी देख सकते हैं कि नहीं कुछ आपके विचार कंक्रीट हो सकते हैं कुछ अब्स्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि जो आप में परिवर्तन हो रहा है वो आप प्रत्यक्ष रूप से होगा, वो अप्रत्यक्ष रूप से भी हो सकता है। जैसे मुझे मैं आपको बताना चाहूँ कि आप घर में देखते होंगे कि दो छोटे बच्चे हैं, अगर पिताजी एक बच्चे को मार रहे हैं तो एक बच्चे का व्यवहार अपने आप परिवर्तित हो जाता है, तो वहाँ पर आप ये क्या कहते हैं कि देखिए उसको देख करके बदल दिया तुरंत, तो ऐसा नहीं है कि अब ये कभी मार ही नहीं खाएगा, ये भी मार खा सकता है, तो ये व्यवहार अब उस बच्चे के ऊपर लागू हो जाएगा। तो इसको ये नहीं कहेंगे कि इसको लर्निंग हो जा रही है, उसको ये पता है कि आप अगर ऐसा काम करेंगे तो आपको मार पड़ेगी, आप ऐसा करेंगे तो आपको मार पड़ेगी, लेकिन क्यों ना हम ये काम ही ना करें। ये काम ना करने का जो फेज है कि वो परमानेंटली ऐसा हो जाए कि बच्चा वो काम ही ना करे, तब हम बोलेंगे कि अब बच्चा सीख लिया है, अब बच्चा शैतानी नहीं करता है, चाहे अब बच्चा ऐसा इसका कार्य नहीं करता है। लेकिन एज ए गार्जियन, एज ए टीचर, एज ए पेरेंट्स अगर मैं बात करूं कि बच्चा गलती ही न करे बचपन में, तो फिर क्या मतलब उसके बचपना का, हमें इसका भी फोकस करना है, हमें इसको भी ध्यान देना है कि भाई बच्चा है मतलब गलती वो विरासत में ले करके आया है, अब आपको समायोजित करना है कि वो कौन सी गलती कितने बृहत्ता कर रहा है, उसकी व्यापकता कैसी है, उसके गलती का फेज कैसा है, वो जो गलती कर रहा है वो किस प्रकार का कर रहा है, आपको उसकी गहराई को समझना है। ऐसा नहीं कि किसी बच्चे को मार दिया तो आप उसको आतंकवादी घोषित कर दिए कि बच्चा तो बड़ा खुखार होगा, ये होगा वो होगा, आप कभी इस तरीके का टर्मोलॉजी उपयोग मत करिए बच्चों के फेज को लेकर के कि नहीं बच्चा है तो उसको नहीं पता है कि मुझे क्या करना है, वो अपने सुरक्षा के रूप में चाहे वो हर कार्य कर सकता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन उसकी कल्पना के परे अगर जा करके आप उसके व्यवहार को समझने का प्रयास करेंगे तब जा करके वो कहा जाएगा कि नहीं ये लर्निंग है। अगर एक बच्चा है कि रोज किसी बच्चे को मार रहा है, अब उसके व्यवहार में आक्रामकता वो परमानेंटली घर कर गया है कि नहीं बच्चा किसी को भी देखता मारने लगता है,
तब आप उसको कह सकते हैं कि बच्चे में कुछ बिहेवियरल चेंजेज हुए हैं, चाहे बच्चे में कुछ इस तरीके की डिफिशियंसी आ गई है, चाहे बच्चे में इस तरीके की कोई ना कोई समस्या है जिसको हमें देखने और समझने की ज़रूरत है। तब हम बोलेंगे नहीं, अब ये कहता है क्या नहीं, इसके घर में लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं, उसके मित्र मंडली ऐसी है, उसका वो संज्ञाना है, उसके वो मित्र हैं, मतलब हम क्या करते हैं डिफेंस लेते हैं कि अच्छा उसके साथ रह रहा होगा तो वो ऐसा, मतलब हाइपोथेटिकल जो इमेजिनेशन हम लोग करते हैं शायद वो बच्चे के बिहेवियर पर लागू नहीं होता है, लेकिन हम उसको थोप देते हैं अच्छा तुम इनके साथ रह रहे हो तो मतलब ऐसे ही सीखोगे। तो भाई वो सीख रहा है तो आप उनके साथ रह रहे हो, जरूरी नहीं कि आप किसी के साथ रहेंगे तो वो सीखेंगे। आप अच्छी चीज़ों को तो नहीं सीख पा रहे हैं, जो नहीं स्वीकृत है वो चीज़ें सीख ले रहे हैं, तो मतलब बच्चे का इंटरेस्ट उधर ज़्यादा है। जैसे अगर आपके क्लासरूम में बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है, भाग जा रहा है छोड़ के स्कूल में, बैठ ही नहीं रहा आपकी क्लास में, तो इसका मतलब नहीं कि बच्चे में समस्या है, हो सकता है आपका कंटेंट ही उबाऊ हो सकता है आपके पढ़ाने का तरीका सही ना हो सकता है कि आप जो पढ़ाना चाह रहे हो बच्चा सुनना ही ना चाहता हो। तो आप इस पे भी एनालिसिस करिए, केवल हम सामने को रख करके एनालिसिस करेंगे तो प्रॉब्लम में आएंगे। आप बच्चे को सामने रखिए और उसके बाद कहिए कि नहीं हमें जो लर्निंग देनी है उस लर्निंग में बच्चा कहाँ अपने आप को समाहित कर रहा है, वो चीज़ें जब हम ध्यान में रखते हुए जब आगे बढ़ते हैं तब कहते हैं कि अब बच्चे के अगर बिहेवियर में कोई चेंजेज आया तो मतलब बच्चा आपके व्यवहार को सीख रहा है, तब हम बोलेंगे कि नहीं अब हम लर्निंग वाले फेज में आ गए। फिर हम देखते हैं कि बच्चे में जो कम्प्लेक्सिटी आ रही है वो किस प्रकार से आ रही है। आप इसको थोड़ा सा गहराई में समझने का प्रयास करेंगे कि बच्चे में जो कम्प्लेक्सिटी है वो क्यों है। आप अगर बच्चे के सोचने और समझने के सारे तरीकों को फिर से अगर आप जैसे उसको कहते हैं रिकंस्ट्रक्ट करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि नहीं बच्चे में जो थोड़ा बहुत व्यवहार में जो चेंजेज आ रहे हैं वो किस प्रकार से आ रहे हैं। आप जो इस पर देख पा रहे हैं कि कम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट जो है वो किस प्रकार से आपको उसमें प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। आप एक क्लासरूम में तमाम बच्चों के बीच में जब बैठ करके कोई एक कंटेंट को डिलीवर करते हैं तो उसमें जितने बच्चे हैं उतनी रुचि है, उतनी क्षमता है, उतने ही जिज्ञासा है, तो उतने विभिन्नताओं में आपको एक चीज़ फीड करनी है, तो हो सकता है किसी में एकदम प्रॉपर फीड हो जाए, हो सकता है किसी से बहुत दूर हो जाए, तो इसका क्या मतलब कि आप उसको कहेंगे नहीं ये सीख ही नहीं सकता है। जैसे मैं एक छोटी सी कहानी से बताना चाहूँ कि अगर आप जैसे दौड़ने का अगर रेस लगाएंगे तो उसमें निश्चित रूप से चीता जीतेगा, तैरने का अगर कंपटीशन कराएंगे तो निश्चित रूप से मछली जीतेगी। तो आपको हर बच्चे के क्लासरूम में बच्चों की ऐसी क्षमता विद्यमान होती है, हो सकता है कि कोई पेड़ पर चढ़ने वाला तो उसमें बंदर ही जीतेगा, तो हो सकता है कुछ बच्चों में उस तरीके की क्षमता हो कि नहीं हर की अपनी अपनी प्रतिभा, हर की अपनी अपनी योग्यता है, उसके अनुसार अगर उसको कंटेंट डिलीवर करेंगे तो शायद उसके व्यवहार में परमानेंटली तब चेंजेज आएंगे। आप मछली को पेड़ पर चढ़ना सिखाने का प्रयास करेंगे कि नहीं मैं पूरे साल कोशिश कर रहा हूँ ये नहीं सीख पा रहा है, तो क्यों सीखेगा भाई। पहले आप उस बच्चे को तो समझिए कि उसकी योग्यता, उसकी क्षमता, उसकी रुचि कहाँ है। आपको तो अपने कंटेंट का प्रेशर है कि नहीं मुझे कंटेंट डिलीवर करना है, और कंटेंट के प्रेशर में आप उसको सिखाए जा रहे हैं, कहाँ सीख पाएगा, कहाँ उसके व्यवहार में परिवर्तन होगा। जब आप चाहेंगे कि नहीं मैं सिखाया ये हूँ और काम वो करें, कभी नहीं हो सकता। जब आप पेड़ ही इमली का लगा रहे हैं और आम खाने का इंतजार कर रहे हैं तो कहाँ से होगा। तो हमें एज ए टीचर अगर मैं बात करूं तो हमें बच्चों के सारे एक्टिविटी को बड़ी गहनता से और बहुत शालीनता से और धैर्यपूर्वक में अवलोकन करना चाहिए, फिर उसके बाद उन चीज़ों को उन्हें समझाना चाहिए कि नहीं हाँ आप अगर ऐसा काम कर रहे हैं तो आपको इस तरीके की भावनाएं हो सकता है आगाह पहुंचा सकती हैं। जैसे हर घर की एक समस्या है कि अगर कोई बड़ा व्यक्ति आएगा तो वो बच्चा क्या जाने कि आप और तुम में क्या अंतर है। हम पूरे 24 घंटे तुम ये कर दो, तुम ये कर दो, तुम ये कर दो, अगर बच्चा उलट के जवाब दे दे अच्छा तुम ये कर दो तो बोलते हैं कि देखो इसको बोलने नहीं आ रहा है। हम उसको बड़ों को हमेशा आप बोला जाता है, तो भाई उसको आप वाले पहले फीडिंग तो कराइए कि नहीं वो समझ तो पाए कि आप भी एक ऐसा शब्द है जिससे आपको संबोधित किया जा सकता है। तो जब ये बच्चा समझेगा तब तो आपको आप संबोधित करेगा, हमेशा तो वो तुम सीखा है और आप उससे अपेक्षा करें कि वो आपको आप बोले, तो ये कभी संभव नहीं है। तो लर्निंग तभी होगा जब आप उस तरीके के व्यवहार को आप खुद व्यक्त करेंगे, जब आपका व्यवहार वो देखेगा समझेगा कि वो सारी चीज़ें उस पर लागू होंगे जो आप अपेक्षित हैं, तो वो सारी एक्टिविटी को वो करने का प्रयास करेगा, तब जाकर के आप कहेंगे कि हाँ अब मैं ये कार्य जो किया हूँ बच्चा हमारा इस तरीके से सीखने में तत्पर है, चाहे वो क्लासरूम हो, चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे वो घर हो, चाहे पड़ोस हो, चाहे आपका खेल का मैदान हो, हर जगह बच्चा उसी तरीके का कार्य संपन्न करेगा जिस तरीके से आप उसको लर्निंग देना चाहते हैं। इन छोटे से मुद्दे पर आपके बीच में आया,
कोई भी अगर बात समझ में न आई हो तो निश्चित रूप से आप कमेंट में अपने क्वेश्चन को रख दीजिएगा। अगली बार जब हम आएंगे तो इसी मुद्दे को लेकर के आपके कमेंट को पढ़ करके हम उस पर डिस्कशन करने का प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।